अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, मैं हूं आपका मेजबान शामी रसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। आमदनी कम और है क्यों आमदनी कम? नाज़रीन इकराम, आपने एक मशहूर गाना तो सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और अब वही हाल है। नाज़रीन इकराम, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? और लोगों के पास इतनी अच्छी डिग्रियां भी हैं और लोग इतनी एजुकेटेड हैं, आप हाईली क्वालिफाइड होंगे और आपको भी ये महसूस हुआ होगा, आपको रियलाइज़ हुआ होगा कभी कि हमारी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें आमदनी कम दी जाती है? हम तो बड़े काबिल हैं, हमें तो 50,000 नहीं बल्कि लाख रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर को भी तो मैनेज करना है, घर का किराया देना है या सौदा लाना है या कुछ करना है। आमदनी कम है तो है क्यों? क्या ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं? क्या ऐसा है जो हमारी लाइफ में कंप्लीट नहीं है? हमारी लाइफ क्यों वर्स से वर्स, यानी गलत से गलत या बुरी से बुरी होती जा रही, ऐसा क्यों है? नाज़रीन इकराम, आज हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जो कि हमने इंटरव्यूज में मिले, जब हमने लोगों से सवाल किया कि आपकी आमदनी कम क्यों, और हमने उनसे पूछा कि वो कितने क्वालिफाइड हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जवाब था कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, या उन्होंने जो है वो बैंकिंग में जो है वो उनके डिप्लोमा है, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर ऐसे ऐसे हमने क्वालिफाइड लोगों से बात की जिन्होंने MBBS भी करा हुआ था, लेकिन उनको इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ 30,000 से 35,000 की जॉब ही मिल रही थी। इसमें उनकी शिकायत थी कि 15,000 तो हमारे घर का किराया है, उसमें से 10,000 जो है वो हमारे बाकी एक्सपेंसिस होते हैं, और उसके बाद भी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई और सी जॉब आ जाए पार्ट टाइम में, जिससे हम 10-15,000 ज़्यादा करके अपने घर का खर्चा जो है वो पूरा कर सकें। नाज़रीन, अभी ये क्यों हो रहा है कि आपके पास जॉब भी अच्छी है? पहले तो कहा जाता कि डिग्री लो और जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी ही ज्यादा पे आपको मिलेगी, ताकि आपकी जो लाइफ है वो एक सक्सेसफुल वे में जा सके। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है? क्या नजर लग गई आपकी डिग्री को? क्या नजर लग गई आपको? नजर देखें, किसी की नहीं लगी, नजर लगी है कोरोना वायरस की। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरोना वायरस ने सब कुछ कर दिया, मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना वायरस में दरअसल हो क्या रहा है। उससे पहले भी ऐसा हो रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा ज्यादा हो चुका है। लोगों को ये बहाना मिल चुका है कि आप अगर पूछते हैं अपने बॉस से कि हमें जो है अपनी पेमेंट, वैसे आप पूछ तो नहीं सकते, खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप कभी पूछें भी तो आपको कहेंगे कोरोना वायरस तुमने नहीं देखा भाई, कोरोना वायरस में तो बड़ी लोगों को कम सैलरी मिल रही है और तुम तो शुक्र मनाओ तुम्हें जॉब मिली भी है, कोरोना वायरस में तो किसी के पास जॉब है ही नहीं। वैसे आप थोड़े बहुत लकी भी हैं क्योंकि आपके पास कम से कम जॉब तो है, उन लोगों का क्या जिनके पास जॉब ही नहीं है। खैर नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि जो कोरोना वायरस है उसमें जाहिर बात है कि इकॉनमी बिल्कुल शट होती जा रही है और जितने भी बिजनेस हैं वो तो बिल्कुल ही नीचे गिर रहे हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी ऑनलाइन बिजनेस हैं जो कि कोरोना वायरस ने बड़े उन्होंने जो है वो फ़ायदा कर लिया गया। वेबसाइट हो अमेज़ॉन की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अमेज़ॉन की ये मिसाल है कि कोरोना वायरस में अमेज़ॉन ने जो है वो $24 बिलियन का ज़्यादा मुनाफा हासिल किया था। बाकी जो आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की जो की वजह से ये 8-9 महीने में जो वबा आई है, इसमें $24 बिलियन ही काफ़ी एक बड़ा अमाउंट होता है जब ये बात की जाए कि कोरोना वायरस में इतना ज़्यादा आपको मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के तो thousands of billions of dollars का जो है वो नुकसान होता जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस में एक वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादातर कि अब जो है वो जब आपका फिजिकल वर्क रुक जाता है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी रुक जाती है, तो जाहिर बात है कि आपको जो है वो इस तरह ये ऑनलाइन वेबसाइट पर लोग जाते हैं, सोशल मीडिया तो ज़्यादा फिर इस्तेमाल हो जाती है। अब इंट्रोवर्ट सबको बना दिया गया, जो एक्सट्रोवर्ट्स थे वो भी अब इंट्रोवर्ट बन गए, लेकिन जो इंट्रोवर्ट थे उनके लिए अभी अच्छी खबर है। तो अब यही हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं, लेकिन इसका जो रीज़न है मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह इकॉनमी शट हो रही है और जिस तरह जो है वो इन सब चीज़ों पर ये चीज़ें आ रही हैं, मैं बता दूँ कि हर कंपनी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पहले अच्छा पे कर रही थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ही कम पे कर रही हैं, या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट्स ही खत्म कर दी हैं क्योंकि कोरोना वायरस में उनको ना कुछ कस्टमर्स मिलते हैं, ना सेल्स होती है, ना उनके दुकान में कोई आता है। अगर कोई ऐसी है कंपनी जिस पर जो वो दुकान होती है, कोई भी ऐसा सेलिंग का, परचेजिंग का सामान वो रखती है, तो ये आपको देख सकते हैं सारी चीज़ें शट हो रही हैं इसी चीज़ों की वजह से। सब कुछ जब शट डाउन होगा तो ज़ाहिर बात है नाज़रीन इकराम, वो पे जो है वो जितनी कम करेंगे ताकि उनके जो बाकी एक्सपेंसेस भी निकलें और बेनिफिट्स भी कोई कोई जैसी जगहों पर जहाँ पर देने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वर्स से वर्स हो रही हैं, यानी बुरी से बुरी हो रही हैं। इस वीडियो में मैंने यही कवर करा है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है इसको किस तरह ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, अब क्या कर सकते हैं, अब आप खुद देखें। आप ये ज़्यादातर तो आप दुआ करें कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि ताकि मार्केट जो है वो बहाल हो जाए और जो कंपनीज़ हैं वो बैक
टू बैक ये दें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे मुल्क के बारे में जो अच्छे लोगों को, जो टैलेंटेड लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को ज़्यादातर नौकरियाँ नहीं मिलती, और ये अभी से नहीं काफ़ी सालों से होता आ रहा है। जो इंजीनियर हमारे भाई हैं वो समझते होंगे कि इंजीनियर्स को भी अब अच्छी जगह काम नहीं मिल रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बैंक में लग जाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में जो इंश्योरेंस बेचते रहते हैं, तो वह भी गले में डिग्रियाँ लटकाए घूम रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ नहीं मिल रहा इवन क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा ये मैं कहता हूँ धब्बा लग चुका है हमारे मुल्क में ज़्यादातर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो। एक अच्छा निज़ाम है जो सिस्टम की बात हमारी गवर्नमेंट करती है वो जल्दी से लाएँ ताकि भाई हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कुछ हो सके। खैर नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान शामिर हसन, मिलता रहूँगा आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको लगता है अगर कोई अच्छे इंसान को ये सुनना चाहिए तो आप उनको ये पहुँचाइए न्यूज़ उन तक। मैं आपका मेज़बान शामिर हसन, अल्लाह निगेबान।